नमस्कार, मुझे उम्मीद है आप अपने घर में बहुत हैप्पीली और बहुत सेफली रह रहे हैं, पूरी प्रिकॉशंस लेकर रह रहे हैं। मैं डॉक्टर जय मदान, एंड बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, समथिंग वेरी इंट्रीगिंग एंड इंटरेस्टिंग आई नोटिस जब सुबह हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें 5 अप्रैल को यानी कि 5 तारीख को रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाना है। दिस इज़ सो स्ट्रेंज। इट इज़ ब्यूटिफुल हाउ द साइंस रिवील इट्सेल्फ। एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्टिव साइंस भी है, एक गाइडिंग साइंस भी है और एक रेमेडियल साइंस भी है। मोदी जी ये काम 4 तारीख को भी करा सकते थे, शाम को 8 बजे भी करा सकते थे, 7:30 बजे भी करा सकते थे, बट 9 बजे ही क्यों? 9 बजे, 9 नंबर जो है ये मार्स का नंबर है यानी कि मंगल का। 9 बजे और 9 मिनट यानी कि मार्स का डबल इफेक्ट। तो जब मार्स आप स्ट्रांग करते हैं तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपके अंदर चीज़ों को लड़ने की क्षमता आती है, ये आपके अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी ओवरऑल ताकत को बढ़ाता है, एक हिम्मत देता है, एक कारेज देता है ये प्लैनेट। और 5 तारीख को चंद्रमा जो है ये लियो में है यानी कि सिंह राशि में है। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि, सूर्य मतलब कि रोशनी। तो जब आप रोशनी जलाएंगे तो चंद्रमा को भी ताकत मिलेगी यानी कि आपके मन को ताकत मिलेगी, आपके मन को नहीं हमारे देश को भी ताकत मिलेगी। और एक बात, ये जो काल सर्प योग की सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से लोग रिबेल हो रहे हैं, कोई मीटिंग्स में जा रहा है, कोई घर छोड़कर भाग रहा है, कोई डॉक्टर्स को पत्थर मार रहा है, ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। मोर देन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप दिया जलाते हैं 9 मिनट के लिए और उस समय आप मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे साउंड एनर्जी भी क्रिएट होगी। लाइट एंड साउंड व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आप दिया या कैंडल ही जलाएं, आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक लाइट का प्रयोग ना करें क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी राहु को रिफ्लेक्ट करता है और हमें राहु की एनर्जी को ही इस समय कम करना है यानी कि अंधकार को कम करना है। तो जब आप दिया जलाएं वो मस्टर्ड ऑयल का होगा तो बहुत अच्छा है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप घी का दिया जलाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कपूर ज़रूर डालिए। अगर आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो उसमें आप एक लौंग डाल सकते हैं ताकि आप सैटन यानी कि जो डिजीज़ फैल रहा है इसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आप कैंडल जलाते हैं तो आप उसमें कुछ दाने बारले यानी कि ज्वार के डाल दीजिए ताकि राहु के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अगर हम सब देशवासी ये सब मिलके करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को 9 बजे जो सिचुएशन ट्रांजिट की होगी, क्योंकि उस समय लिब्रा असेंडेंट होगा तो राहु 9th हाउस में होगा लिब्रा असेंडेंट के, तो जब आप सब दिया हम सब दिया जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे जो कुछ भी आप कंफर्टेबली जलाना चाहते हैं तो 9th हाउस उस समय ब्रह्मांड में एक्टिव होगा, जिससे सारे डर खत्म होंगे, एक फाइटिंग स्पिरिट होगी और यही नहीं हमें एक ऊपर से ब्रह्मांड से भी मदद मिलेगी टू फाइट दिस एक्शन। इट इज़ अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव, वी मस्ट डू इट। देखिए जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि अरे मुझे कुदरत ने 5 दिन के लिए वायरल फीवर बुखार दे दिया है, मैं तो बुखार में ही रहने वाला हूँ, मुझे इसे फाइट नहीं करना। हम ऐसा नहीं करते हैं, वी टेक प्रिकॉशंस, वी विजिट अ डॉक्टर एंड वी टेक मेडिसिंस जो 5 दिन के वायरल फीवर को तोड़ सके। आप पैरासिटामोल लेते हैं, क्रोसिन लेते हैं और बार बार लेते हैं। ठीक इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है, इट गाइड्स यू, इट predicts for you and it also gives you remedy. It is a beautiful remedy. We must do it all together. Let's combine and utilize this strength not to create any superstition but to create strength amongst ourselves. I hope hum sab milke khoobsurti se har ek jana individually apne andar ke andhkar ko bhi khatam karega aur bahar ke andhkar ko bhi khatam karega. Let's all fight together.